नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है और काउंसलिंग के लिए भी बिगुल बज चुका है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर इस यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुला कि नहीं खुला, उस यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुला कि नहीं खुला, तमाम प्रकार के सवाल आपके मन में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम BHU काउंसलिंग पोर्टल 2023 के रजिस्ट्रेशन रीओपन पर चर्चा करेंगे कि कब से आपका पोर्टल ओपन होने जा रहा है, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण क्वेरी आ रही है स्टूडेंट्स की कि रिजल्ट कहां पर अपलोड करना है, तो इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। इसलिए काउंसलिंग पोर्टल से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जितने भी लोग पहली बार स्टडी कैपिटल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि BHU DU JNU जहां जिस भी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की आपको प्रोसेस चाहिए हम लगातार अपने इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सीधा हम लोग एक आपको मैं नोटिस दिखा रहा हूँ, ये आप सभी को पता होगा, ये ट्विटर पर BHU के PRO ने ही अपडेट किया है। और इस नोटिस के तीसरे पॉइंट में यानी इस पोस्टर के तीसरे पॉइंट में पीजी रजिस्ट्रेशन को लेकर के जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल बी रीओपेंड फ्रॉम 25 जुलाई, यानी 25 जुलाई से आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। और आपको पता है कि BHU ने कहा था कि ये पोर्टल आपका 5 दिन तक खुला रहेगा, यानी रिजल्ट के बाद जब भी ये पोर्टल खुलेगा तो 5 दिन तक खुला रहेगा, यानी 25 जुलाई के बाद आपका 5 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। दूसरी जो आप सभी की महत्वपूर्ण क्वेरी आ रही है कि सर अभी रिजल्ट अपलोड करना है कि नहीं करना है, देखिए आपको मैं देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ वीडियोस के लिंक भी भेजे थे लोगों के, जो कह रहे थे कि हाँ रिजल्ट अपलोड करना है, इस डेट को करना है, उस डेट को करना है। अभी रिजल्ट अपलोड करने को लेकर के भैया कोई अपडेट नहीं है। NTA ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपना पूरा स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटीज को दे देंगे, और यूनिवर्सिटीज ने कहीं पर भी स्टूडेंट से ये नहीं कहा है कि आप स्कोर कार्ड या रिजल्ट अपलोड करना है आपको। तो कृपया करके जो भी लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उन अफवाहों से दूर रहिए। अगर ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, ऑथेंटिक अपडेट आएगी, तब आप लोग अपडेट पहुंचाएं या फिर अपडेट लें, लेकिन जो लोग गलत न्यूज फैला रहे हैं कृपया उनसे आप लोग दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि NTA ने अभी स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसा कोई प्रोसेस आपको नहीं करना है, हम सीधा आपका स्कोर कार्ड आपके यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। दूसरी जरूरी सूचना कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, एक और हमारा चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे, CUET PG स्टडी कैपिटल। उस पर हम आपको लगातार CUET के PG के अलग अलग यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज के अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उसके काउंसलिंग के प्रोसेस को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसलिए हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस बीच मैं आपको BHU का जो काउंसलिंग पोर्टल है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए BHU का यही काउंसलिंग पोर्टल है, BHU online.in, जो लोग नए हैं वो लोग जान लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर PET, ठीक, तो यही जो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन है, अभी यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा और ये 25 तारीख से ओपन होने लगेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए, CUET PG के एस्पिरेंट्स के लिए। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको लगातार सजेशन में हमारे वीडियोस आते रहें। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एक सही सूचना सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। पोर्टल ओपन होने के बाद कंप्लीट डिटेल वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।